हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा आपका अपना कॉलेज का का तो भाई नई नई अपडेट हम लेकर के आते रहते हैं लेकिन आप उसे मिस कर देते हैं चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए जिसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा विथ लिंक आप वहां जाइए वीडियो मिस नहीं होंगे अपडेट आती रहेगी अब ये जो वीडियो बनाया है हमने जो कि कर्नाटका के लिए आपको नजर आ रहा है सीई ये एक टेस्ट होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर्नाटका के अंदर और इसके फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं जो कि 10 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 10 फरवरी लास्ट डेट है स्टार्टिंग बात यहीं से करेंगे कि कंफ्यूज बाकी के बच्चों को नहीं होना है कर्नाटका डोमिसाइल जो बच्चे हैं उनके लिए ये फॉर्म जरूरी होता है अब चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं एमबीबीएस में जाना है तो भी आपको फॉर्म ये वाला जरूर भरना है अगर कर्नाटका स्टेट में आपको आगे कॉलेज चाहिए तो चाहे आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं अलाइड कोर्सेज में बी में किसी में भी तो भी आपको ये एग्जाम देना है कुछ जगह पे एग्जाम देना है कुछ में केवल फॉर्म भरना है वो क्या है उस सारी बात आपको समझनी पड़ेगी कर्नाटका का ये एग्जाम सी तो इसका हर साल नोटिफिकेशन आउट होता है इस बार हो चुका है ऑलरेडी क्या है ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक इन्होंने कर्नाटका की अगर वेबसाइट पर हम जाएंगे तो हमको वहां पर मिल जाएगा के पे और उसी का ब्रोशर हम आपके सामने लाए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो है वो ये किस किस के लिए है ये एप्लीकेशन कम वेरिफिकेशन मॉड्यूल है एडमिशन टू यू इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्नोलॉजी के लिए आर्किटेक्चर के लिए न्यूरोपैथी एंड योगा जिसको हम नेचुरोपैथी भी बोल रहे हैं ठीक है वेटरिनरी के लिए फार्म, भी फार्म, भी फार्म, फार्म आ, फार्म बी फार्मा सेकेंड ईयर बी फार्मा फार्मा डी फार्म साइंस कोर्सेज जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए बी ऑनर्स सेरिकल्चर की बात कर लीजिए बीएससी नर्सिंग मेडिकल डेंटल आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी बीपीटी टी बी अलाइड कोर्सेज हेल्थ साइंसेज बीपीओ प्रोफेशनल कोर्सेज इन सबके लिए ये फॉर्म है और भरना है आपको आगे लिखा है कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग फॉर मेडिकल डेंटल एंड आयुष कोर्सेज जिसका बी एम एस बी एच एम एस बी यू एम एस होता है शुड ऑल्सो राइट यू जी नीट दो हजार चौबीस वो एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा बाई एन टी एंड एन टी ए नाटा फॉर आर्किटेक्चर अगर आर्किटेक्चर में जाना है तो नाटा का एग्जाम और इन सब में जाना है तो नीट का एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा बट फिर भी ये फॉर्म भरना है ये आपको ध्यान रखना है अब देखिए यहां पर इस ब्रॉशर में जब हम आगे जाते हैं पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्या आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए ठीक है ये आपको सारे यहाँ से मिल जाएंगे सारी चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी क्या क्या चाहिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स जो जो है उनके लिए अप्लाई ऑनलाइन करना है सीई के लिए ठीक है के ई डॉट के वेबसाइट है वहां पे आप जाएंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे पहले उसके बाद में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे एज इट इज आपके पास में क्या क्या होना चाहिए तीन प्रिंटआउट होने चाहिए फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के तीन प्रिंटआउट आपको रखने हैं बाद में पेड जो आप करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसकी प्रूफ को आपको अपने साथ रखना है दो से तीन कॉपी चाहिए आपको फोटोग्राफ की जो भी आपने जो फोटो यहाँ पे अपलोड किया सेम फोटोग्राफ की दो से तीन प्रिंट आपके पास होना चाहिए ठीक है और अपलोड भी यहाँ पे आपको उसको ही करना है मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जो भी हो वो लास्ट तक आपके पास रहे ऑन रहे एस एम उस पर आएंगे ध्यान रखना है अगर इस तरह का कोई भी होता है तो पेरेंट खुद रिस्पॉन्सिबल अगर उन्होंने गलत ई मेल या मोबाइल नंबर दे दिया है तो ठीक है ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है आगे ये सारे कोर्सेज हैं और इन सब के शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब कोर्सेज के लिए यहाँ पर ये एग्जाम कंप्लीट हुआ इसमें एरो स्पेस इंजीनियरिंग भी है एरोनाटिकल इंजीनियरिंग है सारी इंजीनियरिंग के टाइप्स हैं आर्किटेक्चर है ठीक है बायो इंजीनियरिंग भी है बायोटेक्नोलॉजी है सभी चीज़ें यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग मतलब हर चीज़ आपको नजर आ रही कंप्यूटर साइंस के अंदर भी है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सभी में कम्युनिकेशन हर एक चीज़ के अंदर ठीक है फिर हम देखते हैं यहाँ पे मराइन साइंस के अंदर भी है मैकेनिकल सभी चीज़ों में बायोटेक एनर्जी सभी चीज़ के अंदर आपको नज़र आ रही है रोबोटिक्स के अंदर भी है सल्फ टेक्नोलॉजी इतने सारे कोर्सेज़ हैं जो इसके थ्रू कवर होते हैं आपको सबका ध्यान रखना है फिर बात आती है नेक्स्ट कि ये कैसा क्या है इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए यहाँ पर हमको बताया है कि किस किस के लिए है देखिए यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि मेडिकल डेंटल आयुर्वेदिक मेडिकल में डेंटल में आयुर्वेदिक इन सब में अगर आप जा रहे हैं यूनानी होम्योपैथिक कोर्सेज वगैरह सब कुछ तो आपका ये होना चाहिए जो नीट का भी क्राइटेरिया है 50 परसेंट ठीक है एग्रीगेट और 40% परसेंट इन केस ऑफ कैटेगरी तो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये होना चाहिए आपको यूजी नीट भी देना है लेकिन ये फॉर्म भी आपको भरना है ये चीज़ इन्होंने लिख दी है यहाँ कि ये आपको दोनों काम करने होते हैं ठीक है ना ये फॉर्म यहां पे भरना होता है और ये सब अब आगे की बात ये हमने कहा दस तारीख से स्टार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट ये सब स्टार्ट हो गई ग्यारह तारीख से ठीक है इसके अलावा लास्ट डेट जो है वो दस तारीख फरवरी में है और आप पे फीस जो है लास्ट पे कर सकते हैं 14 फैप तक उसके बाद में एडमिशन टिकट जो आएंगे वो जिनको एग्ज़ाम भी देना है पाँच अप्रैल से आ जाएंगे जो एग्ज़ाम होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को होगा अब ऐसे बच्चे जो नीट में जाते हैं स्टेट काउंसलिंग में कर्नाटका में उनको कॉलेज चाहिए डोमिसाइल भी है लेकिन वो खुद वहाँ पे नहीं पढ़े नहीं रहे लेकिन उनके पेरेंट्स के बेस पे उनको वहाँ का डोमिसाइल चाहिए उन बच्चों के लिए भी ये एग्ज़ाम देना होता है यहाँ पर एक कन्नड़ा का लैंग्वेज टेस्ट होता है कन्नड़ा लैंग्वेज टेस्ट वो देना होता है उसमें पास होंगे तभी उनको डोमिसाइल मिलता है ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है भाई फिर कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट ओनली फॉर दो रीजंस है आपका हॉरेनेडू और गडीनेडू दो रीजनस है वहां के लिए ट्वेंटी अप्रैल को ये एग्जाम कंडक्ट होता है ठीक है उसके बाद में आगे के डेट्स जो है आपको बता दी जाएंगी टाइम टू टाइम फिर यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं ठीक है यहाँ पे बताया इंट्रोडक्शन क्या क्या है किस किस के लिए अभी हमने बताया था ठीक है इन सब के लिए है और द कैंडिडेट्स हु विश टू सीक एडमिशन टू मेडिकल और डेंटल और आयुर्वेद और यूनानी और होम्योपैथिक कोर्सेज मस्ट कंपलसरी क्वालिफाइन यू नीट वो आपको देना ज़रूरी है उसके बिना यहाँ पर एग्जाम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए ठीक है जो तो भी आपका रैंक है सीईटी में नीट में नाटा में उस अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है ये भी आपको बता दिया है फिर यहाँ पर बताया है कि वो बच्चे जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी कोर्सेज में जाएंगे पी सी एम मैथ्स उनके पास होना चाहिए जो फार्म साइंसेस कोर्स में जाएंगे जैसे कि बी एस सी एग्रीकल्चर सेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर इनमें जाते हैं तो उनके पास पी सी एम बी ठीक है इनमें से होने चाहिए बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एनिमल हस्बेंड्री के लिए पी चाहिए योगिक साइंस के लिए नेचुरोपैथी के लिए बी नर्सिंग के लिए पी चाहिए बी फार्मा सेकेंड ईयर बी फार्मा फार्मा डी के लिए या तो पी सी एम ओ या पी सी बी ओ दोनों चल जाएगा तो ये भी बताया है कि किसके लिए किसकी जरूरत है ठीक है फिर मेडिकल डेंटल आयुष कोर्स है तो यू जी नीट देनी है आर्किटेक्चर है तो नाटा देना है इन एडिशन टू क्वालिफिकेशन इन द यू जी नीट और नाटा एंट्रेंस एग्जाम कैंडिडेट मस्ट कंपल्सरली रजिस्टर फॉर सी टी देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार आप देखते हैं ये सोचते है, नीट तो देना है इसके लिए इसकी क्या जरूरत है लेकिन यहां क्लियर कट लिखा है कि उनको ये भरना जरूरी है फिल द एप्लीकेशन एंड पे द फीस टू बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग तो नीट वाले बच्चों को जो तो ये कोर्सेज चाहिए या आर्किटेक्चर वालों को तो इनके लिए ये फॉर्म एज अ काउंसलिंग फॉर्म है ये बात आप समझ के चलिए एक काउंसलिंग फॉर्म है बाकी स्टेट वाले बच्चे जिनको कर्नाटक में मेडिकल कॉलेज चाहिए उनके लिए बाद में आएगा लेकिन वो भी कई बार नीट से पहले निकल जाता है इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि भाई अवेयर रहिए जुड़े रहिए और हम इसके लिए पेड काउंसलिंग भी चलाते हैं जिससे बच्चा मिस ना कर दे तो वो एक अलग पॉइंट है यहां पर हमको ध्यान रखना है कर्नाटका वाले बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं बीपीटी के लिए बी एस अलाइड हेल्थ साइंसेज इन सब के लिए अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा बट दे मस्ट कंपल्सरी रजिस्टर फॉर सीट यानी एग्ज़ाम देना है नहीं देना है लेकिन सी का फॉर्म तो ज़रूर भरना ही भरना है ठीक है ना काउंसलिंग के लिए आने के लिए भी फिर आपको बताया है जिनका एंट्रेंस एग्जाम होगा उनका एटीनथ अप्रैल को साढ़े दस से ग्यारह पचास ढाई से तीन पचास बायो वाले बच्चों के लिए ये टाइमिंग है और ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए है मार्क्स है सिक्सटी और सिक्सटी ऐसे ही उन्नीस तारीख को भी ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम लिए जाएंगे सिक्स से सिक्सटी मार्क्स तो ये अपने को पता होना चाहिए फिर कुछ बताया है कि कैसे कैसे करना टेस्ट और कहाँ क्या क्या होगा प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे होगा क्या होगा तो आप एक बार गो थ्रू जरूर कर ले इस पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या ब्रॉशर को हम जिसको कहते हैं ठीक है डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है वो आपको मैं बता देता हूँ भाई डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है टेंथ स्टैंडर्ड जिसको हम एस भी कहते हैं उसकी मार्कशीट चाहिए आपको फिर सेकेंड पी जिसको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कहते हैं उनका चाहिए कैंडिडेट स्टडी सर्टिफिकेट जो है ऑप्टेन फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच शुड बी काउंटर साइंड बाय कंसर्न ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होना चाहिए डी जो कि सात साल का स्टडी वहां से किया हुआ हो कर्नाटका से ये बात डोमिसाइल का एक प्रूफ होती है ठीक है या तो ये होना चाहिए उनके पास अगर रूरल कोटा है तो उसके लिए रूरल सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट टू टेंथ वहाँ से पढ़ा है रूरल से ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे स्पोर्ट्स का एनसीसी का इनका भी बेनिफिट मिलता है उसको भी आप देख लेंगे पूरे ब्रॉशर में वहाँ पर लिखा है किसके कितने परसेंटेज हैं ठीक है कन्नड़ा मीडियम कोटा के लिए जाना है तो आपको क्या करना है वो भी पता होना चाहिए वन टू फर्स्ट टू टेंथ उनके पास में कन्नड़ा होनी चाहिए लैंग्वेज ठीक है फिर ये क्लॉज है ये सारे क्लॉज हैं क्लॉज ए क्लॉज बी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे क्लॉज ए कहता है कैंडिडेट जो है उसके पास में एक या एक से ज्यादा वन ऑम वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकोगनाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़े हो कर्नाटका के ठीक है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ सेवन अकेडमिक ईयर तो वो वहां के डोमिसाइल कहलाएंगे या तो ये या सारे क्लॉजेस सुन लें आप सेकेंड क्या कहता है कि उनके पास में फर्स्ट या सेकेंड ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या फिर जिसको हम इलेवन ट्वेल्थ कहते हैं स्टेट ऑफ कर्नाटका फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन रिकोगनाइज बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड दट आई देरेंट शुड है किया और में से एक उनके फादर या मदर में से कोई एक कर्नाटक में पढ़े हूँ एटलीस्ट सेवन ईयर के लिए ये है क्लॉज बी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्लॉज सी क्या कहता है बहुत सारे क्लॉजे उनमें से अगर एक भी क्लॉज में आप फिट बैठते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं स्टेट कोटा के लिए कर्नाटका की और कर्नाटका की स्टेट कोटा जिनको मिल जाता है उनको कर्नाटका के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी भी फीस डेढ़ लाख रुपए ही रह जाती है एक साल की ये भी ध्यान रखें तो क्लॉस सी कहता है कैंडिडेट एंड आइदर ऑफ द पेरेंट कैंडिडेट और दोनों में से एक पेरेंट की मदर टंग कन्नड़ा होनी चाहिए या टुल्यू कोडावा और बेरी एंड आइदर ऑफ पेरेंट वॉज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका ठीक है ये होना चाहिए सच कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डर एनी अदर इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड कन्नाडा बाहर का भी है तो चलेगा लेकिन उनके पास में ये सब होना चाहिए और कब से कब तक का वो लिखा हुआ है वहाँ पे ठीक है ना ये तीसरा पॉइंट है चौथा जो है क्लॉज वो ये है कि कैंडिडेट हुज मदर टंग इज कन्नडा इन सब में से कोई एक हो ठीक है शुड हैव रिजाइडेड एंड स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन ईयर बिटवीन फर्स्ट टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इन डिस्प्यूटेड कन्नडा स्पीकिंग एरिया ऑफ साउथ सोलापुर और अक्कलकोट और जाथ और आ, गांधी गलज तालुका ऑफ महाराष्ट्र क्योंकि जुड़े हुए एरियाज हैं अगर वहां से पढ़े हैं तो भी उनको डोमिसाइल दे देंगे लेकिन उनकी मदर टंग कन्नडा या इनमें से कोई एक होनी चाहिए ठीक है ना तो उनको भी मिल जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें क्लॉज ई की ये सारे क्लॉज आपको ध्यान रखने हैं भाई क्लॉज ई की बात करें तो इफ इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु इज सन और डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल अगर पेरेंट्स आपके डिफेंस में हु हैव है कंटिन्यूसली इन कर्नाटका फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ वन ईयर इन कर्नाटका ड्यूरिंग द टू ईयर पीरियड ऑफ स्टडी ऑफ कैंडिडेट इन पी इलेवेंथ या ट्वेल्थ अगर एक साल भी उनके पेरेंट वहां पर रहे तो उनको वहां का डोमिसाइल मिल जाएगा ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है एफ में कहता है सोना डॉटर सर्विंग आज अगर कोई सर्व कर रहा है डिफेंस पर्सनल है उनके फादर या मदर हुट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टू द डिफेंस सर्विस है होम टाउन अ प्लेस इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका proof of such domicile should be obtained and uploaded by obtaining the extract from the AGS branch army headquarter ye sab bhi hona chahiye inme se koi bhi ek cheez theek hai ek bhi clause mein agar aap fit बैठते हैं तो आपको लिखना भी पड़ेगा आप कौन से क्लॉज में आते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म में और आपको वहां का डोमिसाइल मिल जाएगा uh, in the case of a candidate who is a son or daughter of a defense personnel who had served in Karnataka for at least one year and is posted to the डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट एंड हुज फैमिलीज परमिटेड बाई डिफेंस अथॉरिटी टू कंटिन्यू टू स्टे इन कर्नाटका अगर ऐसा भी है तो भी उनको मान लिया जाएगा ठीक है सन और डॉटर ऑफ एक्स सर्विस मैन हुट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द डिफेंस सर्विस हैड डिक्लेय अ प्लेस इन कर्नाटका एज एज होम टाउन प्रूफ ऑफ सच डोमिसाइल शुड भी ऑप्टेंड एंड अपलोडेड फ्रॉम द डिप्यूटी डायरेक्टर तो अगर ऐसा भी है तो भी आप माने जाएंगे इसी तरह से और क्या रूल्स हैं भाई कैंडिडेट बीइंग अ सन ऑफ डॉटर ऑफ अ एम्प्लॉय ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है और यूनियन और कर्नाटका स्टेट में गवर्नमेंट में है ठीक है फिर चाहे आप बाहर से पढ़े हो तो भी चल जाएगा लेकिन वहां पर है तो ठीक है तो भी आपको मिल जाएगा सन ऑफ डॉटर ऑफ अ वर्किंग और रिटायर्ड एम्प्लॉई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है और यूनियन और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग वेर सच एम्प्लॉय हैड डिक्लेयर टू द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो कर्नाटका के होम टाउन के हैंडीर या फिर यहाँ पे पढ़े हैं कर्नाटका के अंदर सात साल ठीक है या ट्रांसफर हुआ है उनका किसी ना किसी टर्म्स पे लेकिन कर्नाटका के हैं तो उनको भी मिल जाता है ठीक है ये सारों में से कोई ना कोई एक रूल उनपे फॉलो होता हो तारे क्लॉज आप पढ़ लेना और देख लेना आप पे कौन सा क्लॉज फिट होता है पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम कर्नाटका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई एमपी बना है ठीक है कर्नाटका से तो उनको भी यहां से मिल जाता है ठीक है ना ये ध्यान रखना सन और डॉटर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉ ठीक है अगर ऑल इंडिया सर्विस कर्नाटका कोर्ट कैडर से है या कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए इनमें से कोई भी एक पॉइंट फिल नहीं हुआ तो आपको क्लॉज में किसी में फिट नहीं होगे फिर आप यहां से नहीं फिल कर सकते सन और डॉटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो हम ये कह सकते हैं डोमिसाइल रूल्स हैं एक तरह के Uh, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के सन या डॉटर हैं प्रूफ ऑफ सच माइग्रेशन आपके पास में होना चाहिए ठीक है और उससे भी आपको मिल जाएगा यहाँ का डोमिसाइल या फिर कैंडिडेट हु हैव स्टडी टेन फुल अकेडमिक ईयर इन कन्नाडा मीडियम फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू टेंथ स्टैंडर्ड बाद में चाहे नहीं रहे हो तो भी मिल जाएगा ठीक है इसी तरह से ये सारे क्लॉज में से कोई एक क्लॉज फिट बैठे ये आप ध्यान रखें नेक्स्ट क्लॉज है ओ वर्किंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस उसमें भी है अगर आपके पेरेंट्स रहे हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगर उन्होंने सी ए पी एफ जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने कर्नाटका को अपना होम टाउन बताया था फिर चाहे उनकी कहीं पर भी ट्रांसफर हुआ हो लेकिन उनको माना जाएगा ठीक है ना इनमें से कोई भी एक अगर आपका क्लॉज बैठता है तो आप उस क्लॉज के सही डॉक्यूमेंट्स लगाइए अपना क्लेम करिए वो क्लॉज और आप डोमिसाइल कहलाएंगे कर्नाटका के आप एलिजिबल हैं स्टेट काउंसलिंग में कर्नाटका से कॉलेजेस लेने के लेकिन अगर आप पे कोई भी क्लॉज फिट नहीं बैठता इनमें से तो आप स्टेट काउंसलिंग से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए तो कर्नाटका के लिए सारी बात हमने आपको बताई है कर्नाटका डोमिसाइल जो बच्चे हैं जो इनमें से किसी क्लॉज में फिट बैठते हैं उनके लिए ये सारी बात बताइए आप अगर इनमें से कोई पॉइंट फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है नहीं तो भी हम आपको लेकर के आते जाएंगे जैसे जैसे कोई भी ऐसा नया एग्जाम या फॉर्म आता रहेगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो नीट से पहले आ जाते हैं और बच्चे मिस कर देते हैं अगर आपको चाहिए हमसे जुड़ना नीचे नंबर दिख रहा है सेवन इस पर व्हाट्सअप करके आप लिखें नीट पेड काउंसलिंग हम आपको भेज देंगे जो ब्रॉशर है अगर आपको अच्छा लगे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं बट टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए All the best.